जैसे कि प्रदेश में और देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को सार्थक ढंग से रोकने के लिए राज्य सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। प्रदेश में थर्ड वेव की एंट्री के बाद पाबंदियां और सख्ती बढ़ा दी गई है। संडे का पहला वीकेंड कर्फ्यू आज है। इधर कई जिलों में लगातार केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अब वीकेंड कर्फ्यू 2 दिन का हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो पाबंदियां शुक्रवार रात से ही लागू होंगी। वहीं आज पहले कर्फ्यू में सब कुछ सुनसान रहा, जरूरी चीजों को छोड़कर सब अपने घरों में बंद रहे। इसी वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लेने टीपीवी न्यूज की टीम जयपुर के वैशाली नगर में पुलिस नाकाबंदी पर पहुंची। कोरोना वायरस को लेकर जहां एक ओर पूरा विश्व त्रस्त हो चुका है, वहीं बात करें राजस्थान और राजस्थान में बात करें जयपुर की, तो जयपुर में बात करें कि पिछला जो कोरोना का काल था, उस कोरोना काल में भी यहां पर कर्फ्यू आदि लगाया गया था और वही दोहराव करते हुए राज्य सरकार ने, उस सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक फरमान जारी किया। उस फरमान के अंतर्गत बताया कि शनिवार रात्रि 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक राजधानी जयपुर में कर्फ्यू रहेगा। हम राजधानी जयपुर के उस एरिया में खड़े हैं, उस क्षेत्र में खड़े हैं जहां सर्वाधिक संख्या में सड़कों पर वाहन आते हैं और सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है। जी, हम बात कर रहे हैं अजमेर रोड से निकलने वाला जो मुख्य मार्ग है, जो राजधानी जयपुर को जोड़ता है, जहाँ से हजारों की संख्या में रोजाना वाहन निकलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कर्फ्यू के कारण आप देख सकते हैं कि अत्यावश्यक कार्यों को जाने वाले राहगीरों को छोड़कर पूरी तरह से जो मुख्य रोड है, मुख्य रोड सूनी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए इस कर्फ्यू में का असर लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें मुख्य बाज़ारों की, तो हम उस बाज़ार में खड़े हैं जहां पर सबसे ज़्यादा सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक भीड़ रहती है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं जो मॉल है, चाहे वो कपड़े के मॉल हो या किसी अन्य प्रकार के मॉल हो, दुकानें हो, वो पूरी तरह से आज उनका शट डाउन है, यानी पूरी तरह से वो बंद कर रखे हैं और सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी फिलहाल कई ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना रूपी वायरस से ना डरते हुए भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों की बात करें तो आज सुबह अल सवेरे से ही जो पुलिस के आला अधिकारी है, वो अपने जाब्ते सही जगह जगह नाकाबंदी कर रहे हैं और आने जाने वाले वाहनों को चेक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो वाहन चालक है या जो आम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सरकार ये चाह रही है कि कैसे भी इस कर्फ्यू के दौरान अगर एक दिन का भी हम कर्फ्यू लगाते हैं और तो इससे अगर कोरोना रूपी जो वायरस की जो चैन है वो टूटती है तो कहीं ना कहीं राहत प्रदान होगी। बात करें कर्फ्यू के दौरान जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल सेवाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, किराना की दुकानें हैं, फल सब्जी की दुकानें हैं, दूध डेयरियाँ हैं, इन सबको इस कर्फ्यू से में ढील दी गई है और इनको खुला रहने की अनुमति दी गई है। बात करें राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में लगातार जो कोरोना के केस हैं, वो कोरोना के केस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी से अलर्ट होकर सरकार ने ये कर्फ्यू की घोषणा की है। वैशाली नगर के बाद टीम सोडाला पहुंची, जहां पाया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से हर आने जाने वाले शख्स से पूछताछ कर रही है और आमजन से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी कर रही है। राजधानी जयपुर में घोषित जो कर्फ्यू है उसका असर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बात करते हैं हम राजधानी जयपुर की। राजधानी जयपुर के हम सोडाला पहुँचे हैं और वहाँ का जायज़ा लिया तो पता चला कि जो पुलिस के आला अधिकारी है और पुलिस के जो स्टाफगण है, वो आने जाने वाली प्रत्येक गाड़ी को चेक कर रहे हैं कि कोई गाड़ी बिना किसी अनावश्यक काम से तो बाहर नहीं निकल रही। अक्सर देखा जा रहा है कि पुलिस महकमे द्वारा जगह जगह चेक पोस्ट लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं इस कर्फ्यू की पालना करवाने के लिए कटिबद्ध रूप से दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, पुलिस का जो स्टाफ है, पुलिस का जो महकमा है, वो गाड़ियों को चेक कर करके भेज रहा है। वहीं बात करें मार्केट की,
तो आज जो जयपुर का जो मार्केट है, अति आवश्यक जो दुकानें हैं, अति आवश्यक दुकानों को छोड़कर, मेडिकल सेवा आदि दुकानों को छोड़कर, लगभग जो सभी दुकानें हैं, सभी बाजार है या बड़े मॉल हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बंद दिखाई दे रहे होंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जो बाज़ार बंद है उस बाज़ार का भी दिखाए। यहाँ पर अक्सर देखा जाता था कि सैकड़ों की संख्या में दुकानों पर दुकानदारों के पास ग्राहकों की भीड़ होती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वीकेंड कर्फ्यू को देखकर, राज्य सरकार द्वारा जो वीकेंड कर्फ्यू घोषित किया गया है उसको देखकर जो अधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं सावचेत नज़र आ रहे हैं। और जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ आ रही है, जो सिटी की तरफ जा रही है, सिटी से बाहर जो गाड़ियाँ जा रही है, उन प्रत्येक गाड़ी की गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई अत्यावश्यक सेवाएं तो नहीं है। अगर गाड़ी अत्यावश्यक सेवा में है तो उन्हीं को जाने दिया जा रहा है, वरना जो बिना फालतू जो घूम रहे हैं लोग, उनको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। वही बात करें राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में फिलहाल देखा जा रहा है कि जो पुलिस के आला अधिकारी है वो पूर्ण रूप से गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो अधिकारी लगे हुए हैं, पुलिस के आला अफसर जो लगे हुए हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे किस प्रकार आज ये कर्फ्यू की पालना करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जो गाड़ी जा रही है उसको, प्रत्येक गाड़ी को चेक किया जा रहा है कि, और पूछा जा रहा है कि कोई अत्यावश्यक काम से तो बाहर नहीं जा रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने पुलिस से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का आमजन से पालन करवाया जा रहा है और साथ ही जो अनावश्यक रूप से बाहर आ रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। राजस्थान पुलिस द्वारा जगह जगह पोस्ट चेक पोस्ट लगाकर आने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है कि कोई जो राहगीर है वो कहीं बेवजह है, इस कोरोना काल में बेवजह तो नहीं घूम रहा है। पुलिस के आला अधिकारी अपने साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर, किस प्रकार से जगह जगह नाकाबंदी करके इस कर्फ्यू के लिए जो आप सुबह से सावचेत दिखाई दे रहे हैं? सर, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना काल के अंदर आप बेवजह इधर उधर नहीं डोलें, और इमरजेंसी सेवाएं के लिए जैसे एम्बुलेंस वगैरह है, डॉक्टर्स है, इन लोगों को पूछ करके जाने दिया जा रहा है। अगर अदरवाइज कोई ऐसे ही घूम रहा है तो उसका चालान भी करते हैं, गाड़ी भी सीज की जाती है। जी सर, बात करें कोरोना काल की लेकर, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे इस कोरोना? लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट के जो भी आदेश हैं उनको फॉलो करें। अगर वीकेंड कर्फ्यू संडे का लगाया गया है तो आप अपने घर में रहें और वीकेंड कर्फ्यू की पालना करें, चाहे दिन हो या रात, चाहे धूप हो या छांव, चाहे कितनी सर्दी हो, लेकिन पुलिस के जो पुलिस महकमा है, प्रशासन जो है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं मुस्तैद नज़र आ रहा है। आज इतनी सर्द भरी रात में भी अक्सर देखा गया है कि जो पुलिस महकमे के जो अधिकारी है, पुलिस जो स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं इस कोरोना की चैन को तोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसके बाद हमारी टीम पहुंची झोटवाड़ा क्षेत्र में, जहां पर कर्फ्यू का असर देखने को मिला। जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी दुकानें बंद मिली। जो सड़कें कभी गुलजार हुआ करती थी, जहां वाहनों का आवागमन हमेशा चालू रहता था, इस कोरोना को आने के बाद कहीं ना कहीं वो सड़कें भी किसी न किसी दिन वाहनों के लिए तरसती है। जी हां, बात कर रहे हैं राजधानी जयपुर की। राजधानी जयपुर के हम झोटवाड़ा क्षेत्र पहुंचे हैं और वहां पर जो वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है जयपुर में, उस वीकेंड कर्फ्यू का हम जायज़ा ले रहे हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जिन रोडों पर, जिन सड़कों पर बहुत अधिक मात्रा में ट्रैफिक का दबाव हुआ करता था, आज वो सड़कें पूरी तरह से खाली नज़र आ रही है। इसके पीछे कारण एक ही है कि सरकार के द्वारा जो वीकेंड कर्फ्यू घोषित किया गया है, उस वीकेंड कर्फ्यू के अंदर जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए जो वाहन हैं या जो लोग हैं, चाहे वो मेडिकल हो, दूध की दुकानें हो या किराना की दुकानें हो, केवल वही लोग इस रोडों पर निकल रहे हैं, बाकी सब लोग आज अपने घरों में कैद हैं। क्योंकि इस कोरोना रूपी वायरस की संक्रमण की जो चैन है उसको हम तभी तोड़ पाएंगे जब हम सरकार की गाइडलाइन की पालना कर पाएंगे। और आज कहीं ना कहीं जो वीकेंड कर्फ्यू राजधानी जयपुर में लगाया गया है, उसका असर राजधानी जयपुर की इन सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो बाज़ार है, ये बाज़ार हमेशा गुलजार, रोजाना गुलजार रहता था, लेकिन आज वीकेंड कर्फ्यू के कारण
जो व्यापारी है वो अपनी दुकानों का शटर डाउन कर रखे हैं। वहीं बात करें पुलिस प्रशासन की, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन के जो सिपाही है वो पुलिस प्रशासन के सिपाही मौजूद है। आने जाने वाले वाहनों को कहीं ना कहीं चेक किया जा रहा है ताकि जो कर्फ्यू का जो असर है वो असर हो सके। सुबह से ही देखा जा रहा है कि राजधानी जयपुर में सर्द हवाएं चल रही है और इन सर्द हवाओं के बीच में राजस्थान पुलिस के वो जाबान सिपाही, चाहे वो कोरोना का पहले वाला काल हो या कोरोना का द्वितीय काल हो, कहीं ना कहीं अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ट्रैफिक के जो जाबान सिपाही है, वो ट्रैफिक के जाबान सिपाही भी कहीं ना कहीं इस कर्फ्यू का असर कराने के लिए लामबंद तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वही बात करें इस कर्फ्यू को लेकर, तो कोरोना रूपी इस काल में अगर लोग इसको मानेंगे, सही रूप से सरकार की गाइडलाइन की पालना करेंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में जिस प्रकार राजधानी जयपुर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, पहले की तरह लॉकडाउन ना करना पड़े, क्योंकि यह असर आज देखने को मिल रहा है राजधानी जयपुर में। टीपीवी न्यूज़ भी आप सभी से यही अपील करता है कि घरों में रहे, सुरक्षित रहे और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है, जो नियमावली है, उस नियमावली का पालन करें। सहयोगी कैमरा पर्सन अमित पारिक के साथ ओम प्रकाश चौधरी, टीपीवी न्यूज़ जयपुर।